राणा प्रताप जैसो की है, ये जमीन राणा प्रताप जैसो की है, ये जमीन हमको जान और ईमान है, ये जमीन हमको जान और ईमान है, तो जाने दे देंगे, तो जाने दे देंगे हम इस वतन के लिए, तो जाने दे देंगे हम इस वतन के लिए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कुछ पाने के लिए, कुछ आपको चाहिए हो, उसके लिए आपको किसी को मनाना पड़ा हो? दसवीं तक तो यही करवा ली स्कूल, और फिर उसके बाद लड़कियों को नहीं इकट्ठा करने के लिए, घर वालों को पता नहीं था कि ये ना लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए जा रही है, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये ना गांव में जाती है लड़की को इकट्ठा करने के लिए। हम सब लड़कियां मिल के और फिर लड़कियों के घर जाते थे, उनके माता पिता उनसे बात करते थे, और ना कोई भी पूछता ना कि उसकी लड़की पढ़ रही है, वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसको बोल रही है, सब ऐसे कहते वो पढ़ रही है, और उसको जाके ऐसे बोलते वो पढ़ रही है, तो सभी कर सकते। जो औरतें बाहर काम करने के लिए जाती हैं, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं? ऐसा तो सुनाने के लिए कहते हैं गांव में कि इनके आदमी नहीं है कि जो औरतें कमाने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में तो ना वो ये सोचते हैं कि अगर लड़कियों ऊपर आ गई तो हमारा क्या होगा, आदमियों का पंच होगा क्या होगा, और ऐसे भी वो सब ऐसे बातें बनाएंगे कि उन्हें सोचते हैं। और आपको क्या लगता है, सिर्फ काम करना सिर्फ पैसों के लिए जरूरी है कि उससे और भी कुछ फायदे होते हैं? नहीं, पैसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसने ना अपनी जिंदगी में जो भी चीजें सीखी है ना, वो उसका फर्ज बनता है कि वो और लोगों को सिखाए। विश्वास बनाने से क्या रिश्ते भी बनते हैं, संबंध बनते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। संबंध बनाने का क्या फायदा होता है? अगर किसी का विश्वास जीतेंगे तो हमारी मदद करेंगे वो। अगर मुझे कोई काम में परेशानी आ रही है तो जो मेरे पे विश्वास करता है वो मेरी जरूर मदद करेगा, उसमें मदद करेगा। ठीक है, और हम घर वालों पे विश्वास बनाते हैं ना कुछ काम करके, और फिर हम कुछ गलत करते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं वो करते हैं ना, तो उनका विश्वास टूटता है, और भविष्य में ना हो सकता है कि मैं विश्वास तोड़ूँ तो मेरी और बहनें ना पढ़ पाए या और काम ना कर पाए, इससे बहुत बुरे प्रभाव पड़ते वाले। विश्वास से ना हम अपनी मंजिल को पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ना किसी विश्वास होगा कि ऐसा है, वो लड़की ऐसी है और वो कर सकती है, तो ना इसमें हमें भी कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला ना हमारे पर विश्वास करता है। जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो रिश्ते बनते हैं, और रिश्ते बनते हैं अगर मेरा कोई दुख, मतलब मेरे दुख खुशी सब उसके साथ शेयर करती हूँ ना, मतलब दुख मेरे साथ होता है मैं उसके साथ शेयर करूँ तो ना वो मुझे दिला से दिलाएगा, तो इससे मतलब मेरा दुख थोड़ा हल्का हो सकता है। तो ये क्या बना, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ? ज़्यादा ये जमी हमको जान और